हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आप लोगों का जो है, मैं कमेंट पढ़ रहा था और उसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि मेरा जो वीजा है आमीन मंजिली है। अगर मैं किसी भी कंपनी में चाहे किसी कपिल के पास तनाजुल कराता हूँ, नकल का पाला कराता हूँ, तो करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के भी जो वीजा है आमीन मंजिली है, अगर आप अपनी मर्जी से तनाजुल कराना चाहोगे तो आप नहीं करा सकते हो। अगर आपका कपिल जो है सही है, अगर आपका कपिल जो है परमिशन देता है तनाजुल कराने के लिए किसी कंपनी में चाहे किसी कपिल के पास, तो दोस्तों आपको जो है अपने सौदी के साथ, जो आपका कपिल है उसके साथ जाना पड़ेगा जवाजात में। और वहां पे जाकर पहले, सबसे पहले दोस्तों आपको अपना वीजा जो है चेंज कराना पड़ेगा। जब तक आपका वीजा चेंज नहीं होगा, जब तक आप किसी भी कंपनी में चाहे किसी भी कपिल के साथ जो है तनाजुल नहीं करा सकते हो, नहीं आप जा सकते हो। दोस्तों वीजा जो है चेंज कराने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे जवाजात में, फिर जो है आपका वीजा चेंज होगा और आप अपने सऊदी के ही साथ जो है जवाजात में जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते हो। अगर आप जाने की कोशिश करोगे जवाजात में तो आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि सऊदी लोगों का ही एंट्री होता है जवाजात के अंदर। तो आप सऊदी के साथ जाइए, अपना वीजा जो है चेंज कराइए, और चेंज कराने के बाद जो है आप किसी भी कंपनी में किसी भी कपिल के साथ जो है आप नकल का पाला जो है करा सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आमीन मंजिली वीजा है, गवर्नमेंट भी जो है कभी कभी जो है छूट देता है, हर साल में महीने में कई बार भी जो है दे देता है छूट, जो कि जिनका आमीन मंजिली वीजा है वो कहीं पर भी जो है जाकर अपना वीजा जो है चेंज करा के कपाला करा सकते हैं, ये छूट मिलता है। तो हर साल में आप पता करते रहिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी ऐसा आमीन मंजिली के लिए न्यू अपडेट आता है तो आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, एम करते हैं वीडियो को समाप्त, फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।